देखिएगा, ये स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का कल आपने एक सवाल किया, वो अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम था वाटर में। अभी ट्रेन या बसेस के केस में आपका नाम देखो, जब आप लैंड में आपकी कार जा रही हो या बसेस जा रही हो या ट्रक्स जा रहे हो या ट्रेन आपकी रेलवे लाइन में जा रही हो, जब सेम डायरेक्शन में, यानी कि ये डायरेक्शन ऑफ रोड भी ऐसी होगी और डायरेक्शन ऑफ कार या बस या ट्रक दोनों रोड के साथ साथ रोड भी, तो आपका देखो उस समय आपकी सेम डायरेक्शन में आपका ये क्या हो जाएगी, माइनस। जबकि वाटर में आपका देखो सेम डायरेक्शन कहते थे डाउन स्ट्रीम को, वो आपकी वहां पॉजिटिव होती थी। यहाँ ये आपका डायरेक्शन ऑफ आपका सपोज के लिए बस या कार आपका इधर है, और आपका देखो ये जो डायरेक्शन ऑफ वाटर है या रोड आप अपोजिट में जा रहे हैं आपका नाम, या दो बसें एक दूसरे के अपोजिट में जा रही है, उस समय आपका पॉजिटिव होगी। और वहां पानी में आपका अप स्ट्रीम होता था कि पानी नीचे बह रहा है और आपका बोट ऊपर जा रही है, स्ट्रीम ऊपर जा रही है, उसमें आपका निगेटिव लिया जाता था। अब आप करो, यहाँ पे मैंने डायरेक्शन बस ऑफ रोड, या आप इसको ये भी कर सकते हैं, आपका देखो ये डायरेक्शन ऑफ आपका वन बस ये भी इधर है, और आपका देखो ये डायरेक्शन ऑफ आपका अनदर बस ये भी आपका नाम सेम डायरेक्शन में, उस समय आपकी निगेटिव होगी और पानी में वो चीज पॉजिटिव होती है, इतना याद रखेगा। अब नाउ यू रीड द क्वेश्चन, टू ट्रेन इज 80 मीटर लॉन्ग। ये अगर सपोज के लिए ये एक आपकी ट्रेन आपका नाम 80 मीटर लॉन्ग ये है, और दूसरी ट्रेन भी आपके नाम ये आपका 80 मीटर लॉन्ग है, ये सपोज के लिए आपका फर्स्ट ट्रेन हो गई, एंड दिस इज द सेकंड ट्रेन आपकी हो गई, एंड इट इज आल्सो नाउ 80 मीटर लॉन्ग। तो जरा क्वेश्चन में देखिएगा, पासेज ईच अदर, एक दूसरे को पास कर रहे हैं आपका नाम ऑन पैरेलल लाइंस। नेचुरली होगा कि ट्रैक्स तो आपकी पैरेलल ही होती हैं। इफ दे आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रही हो, सेम डायरेक्शन में, बल्कि इसको यहां लिख देते हैं आपके नाम, 80 मीटर ये है, ये सेकंड ट्रेन हो गई, ये भी इधर को ही जा रही है आपका, देखो सेम डायरेक्शन, यहां से आई एम गोइंग टू इरेज इट, आपका ये सेम डायरेक्शन। तो कह रहा है द फास्टर ट्रेन टेक्स 1 मिनट टू पास, फास्टर ट्रेन आपका 1 मिनट लेती है उसको पास होने में, इसका मतलब अब यहां पे आप क्या करेंगे सॉल्यूशन में, लेट द स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर ले लीजिएगा, और लेट द स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन, दिस इज स्लो ट्रेन, इसे पर आपका वाई किलोमीटर पर आवर ले लीजिएगा। श्योर ना, दो स्पीड ऑफ बोथ द ट्रेन्स इन सेम डायरेक्शन में आपका ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। श्योर है, ठीक है ना। अब दो ट्रेन है, दोनों ट्रेन की लंबाई कितनी 80 और 80। अब आप सपोज के लिए देखिए, ये इधर देखिएगा सर, ये जब देखिए इसको क्रॉस करेगी, देखिए यहां देखिए 80 मीटर लॉन्ग ये नहीं, देखो ये आपके वीडियो में आई है, होगा देखो ये जब ये यहां पे आएगा, देखो आपका इसका बैक पोर्शन दूसरी वाली ट्रेन का, या सपोज के लिए ये फास्टर ट्रेन ऊपर वाली है ना, ये इसको ओवरटेक करती है या दूसरी पैरेलल लाइन में, देखो ये 80 मीटर लॉन्ग है ये फास्टर ट्रेन है, दिस इज द फास्टर, और ये आपका स्लोअर ट्रेन है आपका, देखो ना फास्टर ट्रेन ने जब इसका लास्ट एंड और इसका फर्स्ट, इसका माउथ और इसका टेल जो होगा बैक एंड, वो देखो आपका इसको ट्रेवल कितना आपको करना पड़ेगा 80 और प्लस 80 आपका ना 160। इज इट क्लियर, तो ना इसका माना देखो टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस इज इक्वल टू ये टोटल डिस्टेंस ऑफ बोथ द ट्रेन्स, ये देखो बोथ द ट्रेन्स ओवर
ये 1 मिनट, पहले मैं 1 मिनट ले दे रहा हूँ, 80 फास्टर की लंबाई और 80 यानी कि जितनी अपनी लेंथ है उतनी उसको डिस्टेंस भी ट्रैवल करनी पड़ेगी, इज इट क्लियर? तो ना 80 प्लस 80 ऊपर उसकी स्पीड क्या है, एक्स माइनस वन, ये कब है नाउ जब सेम डायरेक्शन होगी, जब सेम डायरेक्शन होगी, याद रखिएगा। तो 1 मिनट इज गोइंग टू बी चेंज इनटू 60 सेकंड हो गया, नाउ 160 ओवर, नाउ एक्स माइनस वन, श्योर ये ऊपर चले जाएगा and it will come down, so now x minus y is equal to 160 over 60, khalas, now 8 by 3, so the x minus y is equal to the 8 by 3, वैसे ही equation number 1 आपके information के लिए मैंने डाल दिया, ये rational आपका नाम, expression आपका fractional में आ गया, आपका नाम numerator by denominator, आप चाहे आप क्या कर सकते हैं, देखिए मैंने वैसे यहाँ equation number 1 लिख दिया था, याद रखिएगा आप ज्यादा से ज्यादा 3x minus 3y is equal to 8 by cross multiplication, इसको आप equation number 1 बना सकते हैं, ये देखिए, या तो आप ऐसे कर लीजिए या 3 cross multiplication, 3x है 3x plus minus का minus, आप कर देखो, sure, clear, अब आप कर देखो, opposite direction में आप आए, opposite direction, इसका मतलब, ये देखिए, ये आपका faster train है, 80 meter है आपका, नाम देखो, this is the ये आपका फास्टर ट्रेन है, फास्टर, और आपका देखो ना ये आपका स्लोवर ट्रेन है, इट इज आपका 80 मीटर लॉन्ग, ये भी आपका 80, देखो ये आप देखेगा जब इन दोनों के देखो इसका माउथ और इसका माउथ सामने होंगे, 80 मीटर या 80 मीटर, जब इनको क्रॉस करेंगे आगे इसका माउथ इधर और इसका एंड इधर, इसके दोनों के एंड एक दूसरे के होंगे, तो तब भी ये क्या करेंगे 160 मीटर आपका 160 जो भी है उसका क्या किलोमीटर है क्या मीटर उतना आपका लंबी ट्रेन है तो 100 तब भी वही करना पड़ेगा उस समय स्पीड तो दोनों की सेम ही रहेगी लेकिन आपका जी अब आपका ना स्पीड ऑफ बोथ ट्रेन कंबाइंड में आपका क्या हो जाएगा इन अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में दोनों क्या हो जाएगी एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर इज इट क्लियर सर अब आपका देखो टाइम टेकन completely there time taken to overtake यहाँ भी overtake उसने किया था same direction में आपका they are going the ठीक है overtake equal to ये आपका देखो total distance ये distance होगी आपकी total यानी कि total length होगी आपकी length of both train हो जाएगा याद रखिए over आपका speed आपका of both trains हो जाएगा ये देखिए तो time taken कितना 3 सेकेंड है देखिए ये 1 मिनट को आपने 60 में चेंज किया था याद होगा आपको तो ना ये इसका 80 प्लस ना देखो 80 और ओवर आपका क्या हो गया x प्लस y तो ना देखो ये ऊपर गया बेटे ना देखो 3x प्लस 3y इज इक्वल टू व्हाट 160 कोई शक है जरा देख लीजिएगा आपका ना ठीक है अब देखो ये आपका दोनों एलिमिनेटिंग मेथड से तो ना आपका क्या करेंगे आप सॉल्विंग जरा मुझे फटाफट बताइए सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय एलिमिनेटिंग मेथड अब आप कहेंगे कईयों को ऐसा तो नहीं डाउट क्योंकि देखो ये 3y और ये भी 3y है दोनों को ऐड करने में कट जाएगा तो आपका 3x एंड 3x आपका कितना हो जाएगा 6x और 160 प्लस 8 आपका हो जाएगा क्लियर इक्वल टू 40 तो सॉल्विंग हो गया देखो 3x माइनस 3y इज इक्वल टू इट इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड देखो 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 160 ना देखो तो जे ऑन एडिंग एडिंग में ये आपका कुछ नहीं करना इट्स 6x इज इक्वल टू व्हाट दैट इज 168 ठीक है सर तो फटाफट करिएगा जरा प्लीज 21 नहीं नहीं सर गलत 28 क्या बेटे x इज इक्वल आपका 168 बाय 6 कितनी बार 2 जब और ये कितना है 48 आपका 28 बिल्कुल सही उसके बाद सब्स्टिट्यूट करिएगा बेटे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू of x is equal to 28 in equation number 1 में डाल दीजिएगा यहां डाल दीजिएगा तो 3 into 28 minus 3y is equal to 8 तो 8 is equal to 24 and 3 to the 6 84 minus 8 is equal to 3y तो y is equal to 76 by 3 कितना हुआ कितना है काट करके 25.5 किलोमीटर पर आवर 25.5
ठीक है ना, इसलिए लास्ट में लिख दीजिएगा स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन, एफ टी का मतलब फास्ट ट्रेन इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर, तो एक्स का मतलब आपका 28 किलोमीटर पर आवर, और ये स्पीड ऑफ एस टी स्लोवर ट्रेन इज इक्वल, आपने वाई किलोमीटर पर आवर किया था, और आपका ये 25 होल 1/3 भी लिख सकते हैं आप, ये 25.5 किलोमीटर पर आवर, इज इट क्लियर, प्लीज डू इट।